बचपन से ही ऐसे ही महामाई के भक्त आकर के महामाई के दर्शन पा रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में रख रहे हैं और मन की कामना की पूर्ति कर रहे हैं। कि आप पैदल आए? हाँ, हर साल मैंने दोनों नवरात्र में नंगे पैर में ही आती हूँ। पहले नवरात्र में देखिए, आपकी बार जो नव नवरात्र है, आपकी बार एक नवरात्र वैसे ही बढ़ गया है। आपकी बार दस हो गए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी है। पहली बार हुआ है। हाँ, है ना। और उसके बाद में नवरात्रों के अंदर महामाई का ध्यान करते हुए फलाहार करना चाहिए और महामाई का गुणगान करना चाहिए, सबसे बढ़िया है। घर मकान माता रानी ने बेटा भी दिया, सब कुछ दिया है, और मैं किसी और के लिए भी मांगती हूँ वो भी पूरा करता है। असी इत्थे मनसा देवी आके माता दी पूजा करके नवरात्रे दी शुरुआत कीती है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता, उत्थ बोलो जय माता दी, उत्थ दी जय माता दी, सारे का दी जय माता दी। किस तरह दे नाल सर पहला नवरात्रा मना रहे हैं? जी नाल मना रहे हैं, माता रानी दी मेहर है जी, बस जो माता रानी कर रहे बहुत खुश हैं सी माता रानी। तो पहले नवरात्रे माता रानी के दर्शन हुए, बहुत हम अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि हम पहले नवरात्रे में यहाँ पे आ रहे हैं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और यार देख रहे सारे दर्शकों नू पहले नवरात्रे दियाँ बहुत बहुत वधाइयां। तो अज असीं पहुंचे हुए हैं मनसा देवी माता मंदिर दे विच, जिथे कि लोगों की भीड़ जिहड़ी तुसीं देख सकते हो, शरधालुआं दी जिहड़े इत्थे पहुंच रहे ने। आपां लोगों के नाल गलबात करांगे कि किस तरह जिहड़े कि वह पहले नराते नू मना रहे ने। तो आओ इन्हां दे नाल आपां गलबात करदे हां। मैम कैसे मना रहे हैं पहला नराता? बहुत अच्छा मना रहे हैं। पहले मतलब नराते रखे हैं आपने? नहीं। पहला नवरात्रा किस तरह के नाल मना रहे हो? मैं माता के दरबार से आता हूँ, वैष्णो देवी से दर्शन करके। तो मैंने कहा पहले नवरात्रि माता के दरबार। कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर यूपी से हूँ। अच्छा, कानपुर यूपी से यहाँ सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, हर बार आते हैं जब या पहली बार आए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आज। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ की, अच्छा लग रहा है जी। आप होर भी लोगों के नाल गलबात करते हैं, तो जानते हैं कि उन्होंने किवें हो। मैम किस तरह के नाल पहला? असी इत्थे मनसा देवी आके माता दी पूजा करके नवरात्रे दी शुरुआत कीती है। जय माता। कित्थों आए? असी पंचकूला तो आए हैं। एव के व्रत रखे? हाँ जी। पूरे नौ नहीं रखे, सिर्फ दो ही रखते हैं असी। फर्स्ट एंड लास्ट? हाँ जी। तो आपां होर भी लोगों के नाल अगे वध के गलबात करते हैं। तो रश उस समय का ही असी इस तरह के नाल देख रहे हैं, जिस समय तो असी इत्थे पहुंचे हैं उस समय तो इस तरह का जिहड़ा रश है वह इत्थे इकट्ठा हो ही जा रहा है। तो आप गलबात करते हैं पंडित जी के नाल भी, गलबात करते हैं। पंडित जी राम राम। किस तरह से पहले नराते में लोगों की भीड़ कैसी है, किस तरह से लोग मना रहे हैं? जब से आज सुबह से मंदिर खुला है तब से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। सुबह से ही ऐसे ही महामाई के भक्त आकर के महामाई के दर्शन पा रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में रख रहे हैं और मन की कामना की पूर्ति कर रहे हैं। पंडित जी, जो नौ नवरात्रों में ही ऐसी की भीड़ रहती है या पहले नवरात्रे में ही होती है? नहीं, महामाई के पूरे नौ नवरात्रों में भी और आम दिनों में भी ऐसी ही भीड़ रहती है जी। तो फिर कैसे इस बार नवरात्रों में क्या स्पेशल है, इस बार के नवरात्रे किस तरह से मनाने चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए, थोड़ा उस बारे में भी बताइए। देखिए, आपकी बार जो नव नवरात्र है, आपकी बार एक नवरात्र वैसे ही बढ़ गया है। आपकी बार दस हो गए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी है। पहली बार हुआ है? हाँ, है ना। और उसके बाद में नवरात्रों के अंदर महामाई का ध्यान करते हुए फलाहार करना चाहिए और महामाई का गुणगान करना चाहिए, सबसे बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो इस बार इन्होंने दसिया कि जेडे कि दस नराते ने, जो कि अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी गल है। लोगों की श्रद्धा तुसी देख सकते हो कि लोग जेडे ने किस तरह के नाल इत्थे पहुँच रहे ने। तो हले कुछ ज़्यादा टाइम जिहड़ा कि नहीं होया, सवेरे सिर्फ 7:30 का जिहड़ा टाइम असीं तुहानू दिखा रहे हैं, जिस दे विच तुसीं देख सकते हो कि लोगों की भीड़, लोगों की श्रद्धा किन्नी ज़्यादा है। तो इत्थे पहुँच के वह जिहड़ा कि अपने दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत दूरों दूरों भी जिहड़े लोग ने वह इत्थे पहुँचे हुए ने। सर कहाँ से आए हैं? पटियाला से, पंजाब से। अच्छा, पटियाला से यहाँ मनसा देवी माता के मंदिर सिर्फ दर्शनों के लिए? यस, हाँ जी। हर बार आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, हर बार आते हैं, हर 9 दिन लगातार आते हैं।
काफ़ी टाइम हो गया आते हुए भी, तो बहुत महामाई की कृपा है। आप देख ही रहोगे कितना अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है हमारी हरियाणा सरकार ने, तो बहुत महामाई की कृपा है। माँ मनसा सबकी मनसा पूरी करे, भूल चुक माफ़ करे, सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप नौ नवरात्रे रहेंगे तो आप रोज़ अप डाउन करेंगे? हाँ जी डेली। मतलब नवरात्रे भी रखे हैं आपने? नहीं मैंने नवरात्रे नहीं रखे, मैं सुबह 5 बजे चलता हूँ पटियाला से और तकरीबन 6:30-7 बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, दर्शन करके फिर अब वापस चले, इस तरह वापस चले जाएंगे। 9 दिन ऐसे ही चलता रहेगा। कितना सुकून मिलता है? बहुत ज़्यादा, जिसकी बता ही नहीं सकते, इतना सुकून मिलता है मैडम। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, दादी जय माता दी, सारे बोलो जय माता, उच्च बोलो जय माता दी, उच्च दी, जय माता दी, सारे दी, जय माता मनसा देवी, जय माता दी, मनसा देवी, जय माता दी, जोया वाली, जय माता दी, पटियाला माता मंदिर के अंदर बर्गर के पेड़ के कोल, जिथे कि लोगों का कहना है कि इतने जेकर तुसी ये मौली बनते हो तो तुहाडियां मतलब सारिया जिहड़ियां मनोकामनावां ने वह पूरी हो जाएगियां। तो साढ़े नाल एक समय मैम ने तो इन्हों तो असं जानते हैं कि किन्नी क सच्चाई है इस गल दे विच कि जेकर तुसी इत्थे सच्चाई है पहला ट्राई किया है कि बहुत बार हम अपने के लिए नहीं दूसरों के लिए, वे बच्चे मांगे हैं सब कुछ हमें खुद के मैं पूरा कराऊँ, मेरे घर मकान माता रानी ने बेटा भी दिया, सब कुछ दिया है, और मैं किसी और के लिए भी मांगती हूँ वो भी पूरा करता है। अच्छा। हाँ। तो कहाँ से आए, कहाँ से? मैं 20 सेक्टर से आई हूँ, सेक्टर 20 फतेहपुर। अच्छा फतेहपुर कितना दूर? पंचकूला, यहाँ से 9 किलोमीटर है। आप मुझे बता रहे थे कि आप पैदल आए? हाँ, हर साल मैंने दोनों नवरात्र में नंगे पैर में ही आती हूँ, पहले नवरात्र में पैदल। आपके साथ आपकी फैमिली भी आती है? हाँ, मेरे बेटियाँ आ रखी है, वो भी नंगे पैर? नंगे पैर। कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा, इतनी क्या श्रद्धा है माता में आपको कि आप इतनी दूर से? बहुत श्रद्धा है, बहुत अच्छा लगता है, मैं भावुक हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मनसा देवी माता मंदिर में? हाँ, मेरे माता ने सब पूरा कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं थी, माता रानी ने सब कुछ दिया है। अच्छा, ये मौली कब से बांधते हैं? जब से मैंने हर लोगों के लिए अपने लिए बेटा मांगा, बेटा दिया, मेरे लिए सब कुछ मिला, जब मैंने और किसी के लिए मांगा, मैंने सब कुछ मिला, तो मैंने सोचा और किसी के लिए भी मांगती हूँ, सबको खुशियाँ देते हैं माता रानी। कितनी आप इस मंदिर में कितने टाइम से आ रहे? मैं हो गया 25 साल से। 25 साल से हर साल नंगे पैर आना ही आना? दोनों नवरात्रों में, दो साल में जो दो नवरात्रे होते हैं, दोनों वाला में भी और इसमें भी, दोनों में आती हूँ। नवरात्रे रखे हैं? हाँ, बरते रखी हूँ। नौ नवरात्रे रखे? हाँ। तो किस तरह से कि पूजा करते हैं, किस तरह से? जिस तरह आरती वगैरह करते हैं, घर में कलश रखते हैं, हर चीज़ पूजा, मतलब जैसे श्रद्धा से हर एक माँ को करते हैं, ऐसे पूजा करते हैं। तुम्हें खाते क्या हैं? बस हम तो फलाल खाते हूँ, एक बार सुबह सारा दिन रखती हूँ, शाम को खाती हूँ फल। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह के नाल सर पहला नवरात्रा मना रहे? बहुत खुशी नाल मना रहे, माता रानी की मेहर है जी, बस जो माता रानी कर रहे बहुत खुश हैं असं माता रानी तो। वर्त रखे ने? नहीं जी नहीं, वाइफ ही रखे, वो लास्ट रखे। मनसा देवी माता मंदिर पहली बार आए हो? नहीं आई दा जी, हर बार ही आई दा। असी चंडीगढ़ तो आई दा जी, सेक्टर 52 तो हर बार आने। हूँ जो नौ नराते ने, तो नरात्या हर दिन आऊंगे? नरात्या के नहीं, लास्ट फिर आवेंगे जी, जो माता रानी मेहर करेगी तो रोज़ भी आवेंगे। किवें मना रहे हो पहला नराता? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨਰਾਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਨਸਾ ਮਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਨਰਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਵਰਤ ਦੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਫਲ ਆਟਾ ਜੀ, ਔਗਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰਾਤੀ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ?
पहले नवरात्रे माता रानी के दर्शन हुए, बहुत हम अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं कि हम पहले नवरात्रे में यहाँ पे आ रहे हैं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सब भक्तों पे मनोकामना और आप लोगों की भी जो आप सेवा दे रहे हो स्पेशली, तो इसलिए बस जयकारा बोलना चाहूँगी, जयकारा मनसा देवी माता का, बोल साचे दरबार की जय। आए कहाँ से? मैं पंजाब से, खरड़ से हूँ जी। हर बार आते हैं या फिर पहली बार? मैं वैसे मनसा देवी आती हूँ, बट नवरात्रा जो मेरा फर्स्ट नवरात्रा, जो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो रियली गुड एक्सपीरियंस रहा। मैंने सुबह नाइट में सोचा था कि मैं पहुँच जाऊँगी, तो सच्चे में माता ने बुला लिया और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, माता की पूजा की और जोत जगाई, देन उसके बाद माता के दर्शन के लिए आ गया। इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग कितनी उससे उत्साह से आ रहे हैं, कितनी खुशी से आ रहे हैं, उसको लेके क्या कहना है? उसके लिए कहना चाहेंगे ये माता लोगों की भक्ति है, सच्ची भक्ति है, जो इतनी सच्ची भक्ति अपनी इतनी शिद्दत से आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी बस माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और मैं करूँगी, मेरी पूरी कोशिश है कि हम पूरे नवरात्रों में यहाँ आ पाए, अगर माता रानी ने अपनी कृपा बना रखी। बहुत बहुत।